Hi friends, welcome to my channel Learning Made Easy. So, this video is for grade 9. I will be explaining the question answers of chapter Gillu in English. So, as I always say, please go watch the summary of this video so that you can understand this question answers more clearly. So, let's begin the explanation of question answers. First question Sonjuhi me lagi peeli kali ko dek. लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे सो so, सोन जूह इज़ अ फ्लावर इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर विच हैज़ येलो पेटल्स इन इट सो सीइंग दोज येलो पेटल्स इन कली मीन्स फ्लावर बड ओके विच इज ऑल्सो येलो इन कलर सो सीइंग दैम व्ट एक्चुअली लेखिका दिस इज अ स्टोरी दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द लेखिका हर सेल्फ सो वॉट कम्स इन टू हर माइंड वी नीड टू Uh, give the answer to that question. The answer is So when she saw the yellow color uh, sonjuhi flower with the yellow bud on it she suddenly remembered gillu. Now gillu is a short form of gilhari which gilhari means squirrel in English. Okay so here it is shortened and said as gillu so suddenly she, remem she remembers gillu. गिल्लू एक गिलहरी थी जिसकी जान लेखिका ने बचाई थी सो गिल्लू वॉज अ स्क्विरल हुज़ लाइफ वॉज सेव्ड बाय द लेखिका ओके okay? जान बचाई थी जान मीन्स लाइफ बचाई थी सेव्ड उसके बाद से गिल्लू का पूरा जीवन लेखिका के साथ ही बीता था आफ्टर दैट गिल्लूज एंटायर लाइफ पूरा जीवन लेखिका के साथ विथ लेखिका बीता था वॉज स्पेंट विथ लेखिका ओके okay? लेखिका ने गिल्लू की मौत के बाद गिल्लू के शरीर को उसी सोनजुही के पौधे के नीचे दफनाया था इसीलिए जब भी लेखिका सोनजूही में लगी पीली कली को देखती थी उसे लगता था जैसे गिल्लू उन कलियों के रूप में उसे चौकाने ऊपर आ गया है सो so, वेन गिल्लू डाइड लेखिका हैड दफनाया था मीन्स बरीड ओके शी बरीड द बॉडी ऑफ गिल्लू अंडर द सेम सोन जू ही के पौधे सोन जू ही फ्लार पौधा मीन्स फ्लावर सो बिलो द सोन जू ही फ्लावर शी हेड बरीड दैट गिलू ओके एंड देट इज़ वाई शी वेनेवर शी सीज शी सीईंग अ फ्लार सोन जू ही फ्लार विद अ येलो बट शी फील्स दैट गिल्लू हैज़ एक्चुअली कम अबाव ओके टू सरप्राइज हर चौकाने चौकाने मीन्स टू सरप्राइज हर ऊपर आ गया है हैज कम अबाउट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है सो द क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर वी हैव टू एक्सप्लेन वाई कौे मीन्स क्रोज आसेप टू बी समादरित A very respectful one and anadarit, which is not respectable. Okay, adar means respect. So samadarit, respectful, anadarit, not respectful. Why is it said so? Answer: Hindu dharma में ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष के समय हमारे पूर्वज कवे के भेष में आते हैं। एक अन्य मान्यता है कि जब कौवा काव काँव करता है तो इसका मतलब होता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है सो दिस इज़ अ बिलीफ अकॉर्डिंग टू दैट ऑन वी हैव सीन दर इज़ अ रिचुअल फॉर हिंदूज आफ्टर डैथ ऑफ अ पर्सन दे एक्चुअली कॉल क्रोज ओके टू हैव राइस वी मस्ट हैव सीन इन मेनी मूवीज ऑल्सो स्पेशली इन मलयालम मूवीज

Okay, in the form of crows and there is another belief that when a crow is sitting to you know on uh, sitting uh, next to our house okay and is doing kai kai that is the sound of the crow it means that there are some guests who is going to come to our house mehman okay these are beliefs of course we all know this is very common we have heard and we have seen and uh, we know these beliefs so दीज आर द मेन बिलीफ रिगार्डिंग द क्रोज इन कारणों से कौए को सम्मान दिया जाता है दिस इज वाई क्रोज आर गिवन सम्मान सम्मान आदर ऑल सेम दैट इज रेस्पेक्ट लेकिन दूसरी ओर कौवे के काँ काँव करने को अशुभ भी माना जाता है एट द सेम टाइम वेन अ क्रो इज़ मेकिंग नॉइज लाइक काउ काव इट इज सेट टू बी अशुभ ओके दैट इज इट इज सेट टू बी बैड काइंड ऑफ बैड ओमेन और अ बैड साइन फॉर एस ओके इसलिए कोवे को एक साथ समाधरित और अनादरित प्राणी कहा गया है दिस इज वाई क्रोज आर सेट टू बी रेस्पेक्टेबल एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बर्ड दैट इज नॉन रेस्पेक्टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन गिल्हरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया सो so, uh, so, uh, uh, so okay? गिलहरी इज़ घायल बच्चा सो लेखिका हैड गॉट एन अनकॉन्शियस घायल मीन्स एन अनकॉन्शियस बच्चा ऑफ दैट इज़ अ चाइल्ड ऑफ गिल्हरी सो हाउ डिड द लेखिका डू इट्स उपचार मीन्स ट्रीटमेंट ओके हाउ डिड शी डू दैट एनसर गिल्हरी के घायल बच्चे के घाव पर लगे खून को पहले रूई से साफ किया गया सो फर्स्ट वॉट शीड इट वॉज़

पेंसिलिन का मलहम लगाया गया पेंसिलिन नो विच इज कैप्ट ऑन अ मेडिसिन सो शी कैप्ट पेंसिलिन ऑन इट आफ्टर दैट आफ्टर क्लीनिंग द वुंड उसके बाद रूई को दूध में डुबो कर उसे दूध पिलाने की कोशिश की गई जो असफल रही क्योंकि अधिक घायल होने के कारण कमजोर हो गया था सो आफ्टर दैट शी ट्राई टू गिव मिल्क ओके टू द गिल्लू बट शी वॉज असफल शी वॉज अनसक्सेसफुल इन दैट बिकॉज द गिल्लू वॉज टू वीक टू इवन हैव सम मिल्क ओके इट वॉज़ वेरी वीक एट द टाइम और दूध की बूंदें उसके मुँह से बाहर गिर रही थी एंड ऑल्सो द ड्रॉपलेट्स बूंद मीन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ मिल्क वक्चुअली कमिंग आउट ऑफ ऑफ इट्स माउथ लगभग ढाई घंटे के उपचार के बाद गिल्हरी के बच्चे के मुँह में पानी की कुछ बूंदे जा सके सो आफ्टर ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर्स ढाई घंटा वन एंड हाफ आज ट्रीटमेंट ओनली गिलहरी कुड हैव सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ओके दिस इज द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए वॉट ध्यान मीन्स फोकस और अटेंशन ऑफ लेखिका इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ लेखिका वॉट ऑल डिड गिल्लू डू इज़ अ क्वेश्चन आंसर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आता और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ लेखिका गिल्लू यूज़ टू कम टूवर्ड्स हर पैरों हर फीट एंड देन शी यूज़ टू क्लाइंब अबाउ ऑन द पर्दे परदे मीन्स कर्टन्स ओके ऑन द पर्दा इट यूज़ टू क्लाइंब सर से मीन्स इट्स इट्स जस्ट अ साउंड दैट इज बिंग सेट या उसके बाद वह पर्दे से उतर कर लेखिका के पास आ जाता एंड आफ्टर दैट इट यूज़ टू कम डाउन क्लाइम डाउन द पर्दा द करटनज एंड कम अगेन क्लोजर टू लेखिका ये सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका गिल्लू को पकड़ने के लिए दौड़ ना लगा देती थी ये सिलसिला मीन्स दिस दिस यू नो दिस वॉट एवर वॉज हैपनिंग गो क्लाइंब ऑन द कम डाउन अगेन क्लाइंब अगेन कम डाउन सो दिस यूज टू कंटिन्यू सिलसिला इट यूज़ टू कीप ऑन कंटिन्यूसली टिल वेन टिल लेखिका वुड रन बिहाइंड द गिल्लू टू कैच इट ओके है टिल टिल दैट टाइम गिल्लू यूज़ टू डू द सेम थिंग कंटिन्यूसली फिफ्थ क्वेश्चन गिल्लों को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया मुक्त मीन्स फ्री सो वाई डिड लेखिका फील दैट देर इज एन नीड टू फ्री द गिल्लू इन स्टेड ऑफ कीपिंग इट यू नो केज्ड वी हैव टू लीव इट लीव इट फ्री वाई वाई डिड लेखिका फील दैट ओके एंड वॉट काइंड ऑफ सोल्यूशन डिज शी फाइंड फॉर इट उपाय मीन्स सोल्यूशन आंसर लेखिका के घर में रहते हुए गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया सो व्हेन व्हेन द गिल्लू वॉज देयर इन लेखिकाज हाउस इट सेल्फ So when Lekhi, in Lekhika's house Gillu was there, uh, the first basant means spring season had arrived. Neem chameli ki khushbu Lekhika ke kamre mein dhire dhire So we know spring is a season where all flowers bloom and neem chameli is a kind of a flower, jasmine flower, we all know that. So that is what neem chameli is.

इस तरह बाहर जाँगते देखकर कर लेखिका को लगा कि उसे आज़ाद करना अब ज़रूरी है वेन लेखिका सो गिल्लू एक्चुअली पीपिंग आउटसाइड थ्रू द विंडो एंड लुकिंगस क्विज लेखिका फेल्टैट यादिस इज द टाइम वेर नाउ आई हैव टू लेट गिल्लू आज़ाद मीन्स फ्री लेखिका ने खिड़की पर लगी जाली की कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता बना दिया So, what did she do on the window? The jali, that is a net, whatever is kept on the window. That net she removed the kile. Kile means screw from the net and a portion she opened a bit for Gilhari to go outside whenever it wants and then come inside. Okay? Next question. Gillukin Arthome. परिचारिका की भूमिका निभा रहा था परिचारिका मीन्स समवन हु सर्व्स अदर्स ओके हु इज देयर फॉर समवन एल्स इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देम सो हाउ डिड गिल्लू बिकम अ पर्सन हु वाज रेडी टू सर्व समवन ओके हाउ कैन यू से दैट फ्रॉम द लेसन आंसर जब लेखिका अस्पताल से घर आई तो गिल्लू उनके सिर के पास बैठा रहता था सो वेन लेखिका हैड कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल गिल्लू यूज टू ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू हर हेड सिर के पास वह अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बाल को सहलाता रहता था एंड विथ इट्स नन्हे पंजों स्मॉल टीनी टाइनी पंजों मीन्स क्लॉज और नल्स और हैंड्स इट यू नो ऑन द हेड इट स्टार्ट पैटिंग ऑन द हेड सहल सहलाता मीन्स टू पैट जनल पैटिंग ऑन द हेड ऑफ लेखिका इस तरह से वह किसी परिचारिका की भूमिका निभा रहा था दिस इज हाउ इट हैड बिकम अ परिचारिका अ पर्सन हु सर्व्स अदर्स भूमिका मीन्स रोल इट वॉज टेकिंग अ रोल ऑफ सर्विंग लेखिका ओके सेवेंथ क्वेश्चन गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है So from which cheshta means whatever actions that was uh, that Lekhi, uh, sorry that Gillu was doing, how could we understand that this is the e end time? Okay, that is uh, Gillu is nearing death, ant samay it is towards the end of her life. How can we say that? Answer: so, Gillu ne din bhar kuch nahi khaya tha. Gillu suddenly stopped eating anything the entire day. वह कहीं बाहर भी नहीं गया था इट डेंट गो एनी वेयर आउटसाइड एज वेल रात में वह बहुत तकलीफ़ में लग रहा था एंड एट नाइट इट वॉज सीन टू बी इन वेरी बिग तकलीफ़ डिफिकल्टी उसके बावजूद वह अपने झूले से उतर कर लेखिका के पास आ गया एंड ऑल्सो स्पाइट ऑफ दैट इट केम इट एक्चुअली क्लाइंब डाउन फ्रॉम इट्स झूला इट हैड अ स्विंग एंड इट केम टूवर्ड्स लेखिका गिल्लू ने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली इट्स रिटन अंगुली इट्स रॉन्ग इट्स उंगली पकड़ ली और उनके हाथ से चिपक गया सो इट केम डाउन टू लेखिका एंड विथ इट्स पंजो इट्स क्लॉज इट स्टार्टेड होल्डिंग द फिंगर्स उंगली ऑफ लेखिका ओके एंड गॉट स्टक टू हर हैंड्स हाथ से चिपक गया चिपक जाना मीन्स टू स्टिक सो इट्स इट गॉट इट एक्चुअली वेन वेरी क्लोजर टू दैंड ऑफ लेखिका इससे लेखिका को लगने लगा कि गिल्लू का अंत समय समीप समीप ही था दिस इज हाउ लेखिका फेल्ट दैट ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी द एंड टाइम ऑफ गिल्लू एट क्वेश्चन प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगा जगने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए वी नीड टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर दैट इज प्रभात की अर्ली मॉर्निंग प्रथम किरण द फर्स्ट सन रेज के स्पर्श के साथ द टच यू नो स्पर्श मीन्स टच टच ऑफ द फर्स्ट रेज ऑफ द अर्ली मॉर्निंग टाइम विथ दैट गिल्लू हैड गॉन टू अनदर वर्ल्ड ओके जीवन में जगने के लिए इन ऑर्डर टू वेक अप इन अनदर वर्ल्ड गिल्लू हैड गॉन सो वी नीड टू एक्सप्लेन दिस लाइन आंसर प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया इस पंक्ति में लेखिका ने पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार किया है हियर लेखिका इज एक्चुअली ट्राइंग टू स्पेसिफाई पुनर्जन्म दैट इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ ओके लेखिका को लगता है कि गिल्लू अपने अगले जन्म में किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेगा सो लेखिका फील्स दैट गिल्लू विल एक्चुअली अगेन टेक अ रीबर्थ आफ्टर इट्स डेथ इन फॉर्म ऑफ सम अदर एनिमल ओके अन्य प्राणी मीन्स इन इन फॉर्म ऑफ सम अदर एनिमल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है सो सोनजूही फ्लार्स एट द बॉटम ऑफ सोनजूही फ्लार दैर इज़ गिल्लू समाधि समाधि मीन्स अ प्लेस वेयर गिल्लू इज बरीड द ग्रेव ओके सो फ्रॉम दैट वॉट इज लेखिका बिलीफ ओके द ग्रेव वर बिलो सोनजू ही फ्लार व्हाट बिलीफ डज लेखिका हैव रिगार्डिंग दैट आंसर लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे दफनाया था क्योंकि गिल्लू को व लता सबसे अधिक प्रिय थी सो लेखिका हैड बरीड दफनाया था बरीड द गिल्लू बिलो सोनजू ही फ्लार बिकॉज आई एम सॉरी बिकॉज गिल्लू लव्ड दैट फ्लावर द मोस्ट लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास सो शी बिलीव्ड दैट In during spring season, when new flowers will start blooming, she feels that it is Gillu that is coming outside from there. Okay. Uh, she feels that you know ke chote phool She believes that Gillu will bloom from that flower. And whenever a flower blooms from uh, you know that uh, the soil from where actually Gillu is buried, she feels very happy. Santosh. She becomes very happy at that time so this is the end of this video i'm sorry for that message actually i forget to uh, uh, put my phone into flight mode anyways thank you so much for all your support and uh, you know the way my channel is growing i never thought thank you so much keep supporting i need your support even more and uh, yeah that's all thank you so much bye bye